हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कसिंग द नेक्स्ट स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट एंगोमॉइस ग्रेन मॉथ. जूलॉजिकल नेम सीटोट्रोगा सिरिलेरा. सो यू कैन सी द विंग्स ओवर हेयर, द ऑर्डर लेपिडोप्टेरा एंड गेलेकिडा, इट्स फैमिली. सो इट नेचर, इट इज़ स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट and found all over the world, and it is primary pest. The moth infest whole grain, only the larva attack grain, both the storage and in the field. They make holes inside the grain by eating it and make them hollow. The hole is circular with characteristic flap. The common cereal which are most affected by this moth are paddy, millet, corn, wheat, barley, etc. The moth severely damage the grain in monsoon period. Or milled rice or other cereal products are not attacked by the grain moth. So this is the appearance. The adult moth is small, 8 to 10 mm in length, with narrow wing fringed with hairs. The head is characterized by yellow brown color. While sitting the wings are completely folded. You can see the completely folded wings over here. The wings span is 10 to 14 mm, है ना. तो साइज इसमें दिखा रखा है, स्मॉलर स्मॉल इन साइज. They are small in size. आप देख सकते हो इसका structure. Color, the yellowish color, full grown larva, है ना. Characteristic, the important distinguished characteristic is narrow projection. नोट्स क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी भेज रखे हैं, तो फूड को डैमेज करता है, एग्रीकल्चर को डैमेज करता है जब क्रॉप लगा होता है. साइंस ऑफ इन्फेस्टेशन क्या है कि एंगोमॉइस ग्रेन मॉथ्स आर डिटेक्टेड बाय द एडल्ट एज दे लैंड ऑन द सरफेस ऑफ फ्लाई अराउंड द होम. दे कैन ऑल्सो लीव बिहाइंड डैमेज फूड आइटम्स, है ना. उसके बाद हम पढ़ते हैं होस्ट रेंज. तो आपने देखा कि लगभग ये सारे के सारे सीरियल्स के ऊपर जो है एज अ होस्ट सर्वाइव कर सकता है, है ना. इसके पास विंग्स होते हैं सो दैट कि इसका जो लार्वा है वो ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, ज़्यादा डैमेज करता है क्रॉप को. सो कम्स ऑन द लाइफ साइकिल. So this is the life cycle of this insect. The adult emerge in the spring after 24 hours, begin to male. The females lay their white eggs either on a stored grain or fly to field, both areas, and deposit them on the developing head of a small grain. जो head region होते हैं grain का, वहाँ पर जो है deposit करती है. The female on an एवरेज लेज 100 to 400 eggs. The eggs changes the color as they age. जैसे जैसे टाइम ज़्यादा होता चला जाएगा, जो एग का पर्टिकुलर कलर है दैट विल चेंज. इंक्यूबेशन पीरियड वेरीज विथ टेम्परेचर एंड रेंज बिटवीन 8 to 9 डेज. अब ये 8 to 9 डेज जो हैं ये भी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे हैं, दैट कंडीशन इज 20 degrees centigrade. 4 to 5 डेज एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड. अपॉन हैचिंग द टाइनी वाइट लार्वा च्यू इन टू द ग्रेन्स एंड ईट इंटायर इनसाइड द पोर्शन ओवर द प्यूपेशन. द लार्वा ईट्स द ग्रेन. जब प्यूपेशन हो जाता है तो उसके अंदर से जो पर्टिकुलर लार्वा निकलता है वो भी ग्रेन को एज अ फूड इनटेक करता है. वन स्पॉट ऑफ ईच एंड एक्सटेंड दैट ओनली अ फ्लैप रिमेन.
तो अंदर से हॉलो कर देता है तो एक फ्लैप ही बचता है. इट मे हाइबरनेट इन प्यूपल स्टेज. सो द प्यूपल स्टेज मे बी लार्ज. मेच्योर लार्वा स्पिन्स अ कोकून टू पास द प्यूपल स्टेज ऑल्सो इन साइड द ग्रेन. द लार्वल एंड प्यूपल पीरियड आर टेम्परेचर डिपेंडेंट. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा. इसकी सारी भी जितनी भी इंसेक्ट पेस्ट की साइकिल्स होते हैं ये सब इनकी फेवरेबल कंडीशंस पर डिपेंड करते हैं. द लार्वल एंड प्यूपल पीरियड्स आर टेम्परेचर डिपेंडेंट. दे रेंज बिटवीन 18 to 25 एंड 6 to 13 डेज. मे बी मिनिमम रेंज है 18 and 25 एंड 6 to 13 रिस्पेक्टिवली. द एडल्ट इमर्ज फ्रॉम ग्रेन by publishing the flap leaving a neat circular emerge hole with typical flap door. जो flap होता है वो door की तरह open हो सकता है और अंदर से जो particular grain है that will hollow. The grain having less than 12% moisture are not infested with the grain moth. तो अगर ग्रेन के अंदर मॉइस्चर कम हो तो फिर जो है उसके लिए वो एज अ फूड इनटेक करना सॉफ्टन नहीं रहेगा, तो उसके लिए उसको फीड करना इजी नहीं होगा. तो इसलिए जो है उसका इन्फेस्टेशन कम हो सकता है. तो यहाँ पर आपको लाइफ साइकिल दे रखा है जिसमें स्टेजेस बता रखी हैं ऑलरेडी कि एग है लेड ऑन द नियर ग्रेन इधर द फील्ड और ड्यूरिंग स्टोरेज. लार्वल देन पेनिट्रेट द कैनल एंड कंटिन्यू द फीड अंटिल द मेच्योर वाइल क्रिएटिंग द एनलार्जिंग कैविटी विद इन कैनल. पीपल व्हेन मेच्योर लार्वा एक्ट्स एट द चैनल ऑफ आउटसाइड ऑफ द सीड एंड स्पिन अ सिल्कन कोकून. सो एडल्ट दे आर प्यूपेड विद इन द कैनल एंड इमर्ज द एडल्ट मॉथ. मैंने आपको हैंड रिटन मटेरियल भेज रखा है. मैं यहाँ पर आपको केवल इसका आइडेंटिफिकेशन बताने के लिए ये पर्टिकुलर साइट यूज़ कर रही हूँ, है ना. तो आपके लिए आइडेंटिफाई करना इजी होगा कि जिसके अंदर विंग्स हैं वो हमें पता है कि वो लेपिडोप्टेरा को ही जो है डिनोट करता है. तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं. एंग्यूमॉइस ग्रेन मॉथ जहाँ लिखा है तो इसका मतलब है कि उसका ऑर्डर होगा लेपिडोप्टेरा मोस्टली, ठीक है. और बाकी इसकी मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज हैं हाउ टू गेट रिड ऑफ डिपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट दैट आर इन्फेस्टेड. डिस्पोज कर दो उसको, है ना. जो भी पर्टिकुलर ग्रेन है उनको फाइंड आउट करो और फाइंड आउट आफ्टर फाउंड इट उसको डिस्ट्रॉय कर दो. उसकी पर्टिकुलर एरिया को क्लीन करो सेम एज जैसा कि हमने जो आपके खापरा बीटल के लिए जितने भी कंट्रोल मेज़र आपको बताए थे वही सारे कंट्रोल मेज़र बेसिकली इसमें भी लगेंगे. रिमूवल हॉलीडे डेकोरेशन सच एज इंडियन कॉर्न और सिमिलर आइटम्स सो दैट नाउ इट इज़ कंप्लीट योर एंग्यूमॉइस ग्रेन मॉथ. थैंक यू.